कि वो मुजाहिदीन हर सीने तक पहुंचाया है और छोटे छोटे बच्चों को भी इश्क रसूल में लाजवाब बनाया है। सख्ती के जनाजे में आप लोग शरीक है तो आप गेट छोड़ते जाए, रास्ता देते जाए, अल्लाह ताला आपको बरकत दे रहा। अहबाब जो दाएं बाएं गेटों पर रश लगाए खड़े हैं उनसे गुजारिश है आगे जाते जाएं, दाएं बाएं जितनी जगह हैं वहां साफ़सफाई करते जाएं, सफ़े बनाते जाएं, आने वालों को अहबाब रास्ता देते जाएं, रास्ता छोड़ के सफ़े बनाएं, रास्ते में सफ़े न बनाएं। हर तरफ से जितने रास्ते बिहार पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं हर तरफ से हटके निगाह तक उशाकर मुस्तफा का बात का समुद्र आ रहा है। अहबाब आने वालों को जगह देते जाएं, कुशादगी पैदा करें और रस्तों में खड़े ना हो, रास्ते गेट पर मजमाना लगने दें, अहबाब को आगे गुजारते जाएं। आप लोग पहुंच चुके हैं बाद में, आपके अलावा कैमरे से हम देख रहे हैं इसी तरह रवा दवा काफले जो है जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे हैं, एक अजीम हस्ती के जनाजे में शिरकत के लिए, आज अमीरत इस्लामिया के जनाजे में शिरकत के लिए, वो अजीम हस्ती जिन्होंने पूरी दुनिया को बदबू ललकारा है, आपकी आवाज से आपकी ललकार से पूरा कुफर कांपता है। अलामा गुलाम आज़ाद फैजी साहब ने एक बयान करते हुए ये बात की कि गिल्ला नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला ने आप जब कोई ऐलान करते तो पूरे पाकिस्तान के नारे उसका असर लेते और उस पर अमल होता, पूरे पाकिस्तान की दुनिया है दादा करती थी, लेकिन फरमाया कि जब गिल्ला मिल मुजाहिदीन को इमाम करते हैं ऐलान फरमाते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है, कुफर के मानों में नक्शा पानी हो जाता है, यकीनन उसका सवाब देख रहे हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह उशाकर मुस्तफा के जनाजे में शिरकत के लिए जो रेले आ रहे हैं, जिस तरफ रास्ते हैं, जो तरफ लोग आते जा रहे हैं, यकीनन ये हदीस उनके पास। तो किबला मीर मुजाहिदीन ने नमूस रिसालत खत्म नबूवत के सिलसिला में जो कुर्बानियां दी है, जो खिदमात सरंजाम, उस मिशन को जारी रखेंगे। अल्लाह इस अजीम सदमे पर सब्र अता फरमाए, किबला के दर्जे बुलंद फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पे चलाए, उनके मिशन को जारी रखने की सादत अता फरमाए। मैं जिस दीन की मैं दिन रात बात कर रहा हूँ, लोग तो दीन का नाम ही अपनी जुबान पर नहीं लेते, लोग कभी सड़कें बनाने का नाम लेते हैं, कभी मेट्रो बनाने का नाम लेते हैं, कभी बनाने का नाम लेते हैं, कभी बिजली का नाम लेते हैं। मैं जो की बात करता हूँ जब नहर दाखिल हो फकाल लहू अबू उबैदा, अबू उबैदा बिन जर्रा के खड़े सन, कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन तफल आजा, अमीर अल मोमिनीन आप ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मौजे यहाँ रखे जाते हैं, ये सामने खड़े हैं यहूदी, उनके बड़े बड़े मौलवी और उनके बड़े बड़े सरदार खड़े हैं और आप जनाब फतेह बातुल मुकद्दस के लिए आपने मौजे यहाँ रख दिए, माँ ये सुनूनी अल्लाह आल शाम इस तशरफू का, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी आपकी कि आपने मौजे यहाँ रखे। देखिए सारे आल शाम आपके इस मंजर को देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि इनके अमीर मोमिनीन को ये भी नहीं पता कि जुराबें जेल में डाली जाती हैं या मौजे यहाँ रखी जाती हैं। पता करता हूँ दिन रात मैं इस्लाम की बात करता हूँ, दिन रात मैं इस्लाम इस्लाम इसलिए करता हूँ कि फारूक आजम लाखों बंदे खड़े हैं, हजारों फौज मुसलमानों, मेकअप नहीं किया जा, टीवी पर जाने के लिए औरतों से मेकअप करा के टीवी पर दीनी मसले बयान नहीं हो सकते। हाँ मुझे बताओ, हाँ ये इस्लाम जो है वो इस्लाम अपनी पावर रखता है, क्या नाम मुर्ता जो है हजरत उमर ये नहीं फरमाया जे मुसलमान रहना तो एंगे जाना सी, हजरत उमर फरमाया इस्लाम का कानून नहीं बदला जा सकता, मलिक असलम जहाँ जाना चाहता है जाए, इस्लाम क्या मत तक अपनी पावर से खड़ा रहेगा। अतो जो
ہمیں تو مت میں جس اسلام کی اندر کرنا ہے وہ گل بھی چنگی نہیں لگی تسی اچھی میں اندر رکھنے سب ماذا کسی غلام نہ پا دو گے سانو نہ پا دو گے اے تسی کی کیتا ہے فقال ابا سنا مسلمان میں ہمیشہ اسلام کی بات اس لیے کرتا ہوں حضرت عمر لمبی سانس کھینچی این کر کے فرمایا کی کیتا ہے لا یکون ذا غیرک ابا عبیدہ تجعلت نقالا للامت فرمایا ابو عبیدہ تیری شان اور عظمت مجھے پتا ہے اگر تیرے علاوہ تو اور بات کرتا نا آج یہ اگر وہ بات کرتا ہے تو میں اس کو ایسی سزا والا ہے اسلامی ہمیں صاف پانی دینے والا ہے اور اسلامی ہمیں جناب کے عدل دینے والا ہے اور اسلامی گورنر کو گورنری سے اتار کر بکریاں چروانے کے لیے بھیج دیتا ہے یہ اسلام کا کمال ہے رہے گا یوں ہی ان کا دیکھو کون آیا عامر چلا ہوتا کہ نا عوام ساری بھری گئی بہت لیٹ عوام دیکھی نے پیچھے من سب نبیین من سب نبیین آخر تک سب کی آواز آئے من سب نبیین من سب نبیین گستاخ رسول کی ایک ہی صدا گستاخ رسول کی ایک ہی صدا رسول کی ایک ہی صدا من سب نبیین سب نبیین سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین گستاخ رسول کی ایک ہی صدا یہ میٹرو کے شہر کے اوپر جو احباب چڑھے ہیں ان سے گزارش ہے نیچے اتر